चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी। मिर्दा पीपल के मीटिंग में जुड़े साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय है। मैं सर एक तो विनंती है, मैं सुधीर सिंह से को दो शब्द कुछ है मैं उनके विषय में जानना चाहता हूँ, अगर वो उनके पास समय है उनका मुझे विस्तृत बता देंगे तो। सुधीर सर से जी बोले बोले बोलिए बोलिए। एक तो शब्द है मैं अभी पढ़ रहे थे थोड़ा, एक तो परिव्राजक शब्द आया है और सुनक्खत और तथागत की बातों में एक तो शब्द आया बार बार जो है, सुनक्खत जो है तथागत को जो है भगवान शब्द का उच्चारण करते हैं, तो भगवान शब्द का मैंने शाब्दिक अर्थ क्या है और इसका जो है अभिप्राय क्या है, मैं इसका प्रयत्न है जिज्ञासा है जानने की, शायद इसे सभी लाभान्वित होंगे। भगवान शब्द के बारे में पता करना है। जी सर। देखो भगवान शब्द ना पाली में नहीं है। जी सर रोहित जानना था। हाँ जी, आया कहाँ से? पाली में जो शब्द है वो है भग्न, भग्न जो करता है यानी जो बुद्ध ने क्या किया, सिद्धार्थ गौतम ने जो अपने राग थे उनको भग्न किया, भग्न का मतलब है भंग करना, तोड़ना, खत्म करना, भंग कर दिया। हाँ, खत्म कर दिया या उसे अपने को अलग कर दिया। जी सर। हाँ, तो उन्होंने अपने राग भग्न कर दिए और उन्होंने जो अपने द्वेष थे जो ईर्ष्याएं थी वो भग्न कर दी, और जो राग कभी आते थे द्वेष कभी आते थे मोह मूर्ता थी वो भग्न कर दी। तो भग भग रासो भग दोसो भग मोह मूर्ता करने वाले को भगवंतु बोलते हैं, भग्नवंतु, भगवंतु, भगवंतु। तो भग्नवंतु और भगवंतु से बाद में इसको भगवान करके सरल होता चला गया, ये भगवान पड़ा। तो इसका मतलब होता है ये बुद्ध के लिए इस्तेमाल होता है, पूरी दुनिया में जो भगवान शब्द है वो सिर्फ बुद्ध के लिए होता है क्योंकि उन्होंने ही अपने जीते जी अपने राग द्वेष और मोह मूर्ता भग्न की है और किसी ने की नहीं है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के आगे कभी भी भगवान लगा नहीं। मगर ये इतना फेमस हो गया कि भग्नवंतु से भगवंतु से भगवान होते होते और ये हर व्यक्ति को भगवान कहने लगे, एक अलंकार बन गया ये, और अलंकार बन के ये बड़ा फेमस हो गया। अच्छा एक शब्द और है जिसको बोलते हैं भाग्य, भाग्य भी पाली में नहीं है, पुराने समय में भाग्य नहीं है क्योंकि जो शब्द मिलता है पाली में वो है भाग, जैसे हम कहते ना अरे सौभाग्यवती कहाँ गई, सौभाग्यवती कहते ना अपनी पत्नी को, सौभाग्यवती का मतलब है जिसके पास में 100 भाग हों, यानी जैसे एक तरबूज है, एक तरबूज के अगर हमने 100 भाग कर दिए और 100 के 100 भाग उसको हमने किसी को दे दिए तो वो कौन सा हो गया, 100 भागवती या 100 भागवंतु, यानी कि पूरा पूरा तरबूज मिल गया। तो जैसे जो धान, जो धान होता था, जो दही होता था, जो पहले जाता था तो जिस महिला के पास सारा धान मिल जाता था खेत में उसको कहते थे कि इसको सारे भाग मिल गए, ये 100 भागवंती है या 100 भागवंतु है। ऐसे ही जो नाम धनवंती पड़ा हुआ है या धनवंतु पड़ा हुआ है वो हमारे बहुत नाम है, धनवंती और धनवान या धनवंतु, ये वहीं से आते हैं। इस भाग के कोई, इस भाग को यानी जो हिस्से को पार्ट कोई बाद में भाग्य कहने लगे तो ये कहते थे अरे चल भाग यहां से, ये तेरे भाग्य में नहीं है, मतलब ये तेरे हिस्से में नहीं है। इसका कहने का मतलब ये था कि तू यहां से भाग जा, ये चीज तेरे हिस्से में नहीं है। फिर इसका इस्तेमाल होने लगा कि भाई तुम्हारे तो हिस्से में नहीं है, तो तुम्हारे हिस्से में नहीं को तुम्हारा भाग कहने लगे भाग्य, और फिर भाग से भाग्य बन गया जब ये संस्कारित हुआ तो इसको, इसको बदल के फिर उन्होंने वैसे कर दिया। ये सारे के सारे जो शब्द हैं पाली में बड़े सिंपल और सादा हैं, और बुद्ध के अलावा महावीर को भी सिर्फ जो महावीर जैन थे ना उनको महावीर बोलते थे, भगवान जैन नहीं बोलते थे, वो महावीर थे यानी कि वीर थे, बड़े वीर थे वो। इसलिए भगवान शब्द जो है या भगवंतु है या भगवंतु वदेन है या भगवान है वो सब के सब अलंकार बुद्ध के लिए इस्तेमाल होते हैं और किसी के लिए नहीं इस्तेमाल होते पूरी दुनिया में, बाकी लोगों ने चुराए हैं। साधु साधु धन्यवाद सर, जो है मैं इससे पूरा पूरी तरह भलीभूत परिचित हुआ, इसके लिए आपको आपको साधुवाद धन्यवाद सर, जय भीम नमो। आप सभी से
ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।